पहचान ली। तो मैंने अपने इंस्टा स्टोरी पर डाला था कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा लेके आए, तो आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था कि नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब थंबनेल्स कैसे बनाते हैं उस पर लाओ। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ फाइनली। एंड चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि थंबनेल पैक डाउनलोड करना है मेरे पास तो है, एंड आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो उस वेबसाइट से जाकर, वो एक्चुअली मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ये थंबनेल का पैक। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बताता हूँ, कौन कौन सा, एक ये और ये चारों। ठीक है, ये मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, एक तो एक्स्ट्रा मैंने डाउनलोड किया ऐसे अब मेरे लिए, तो ये आपको नहीं मिलेगा। क्या बोला तूने? उसके बाद गाइस आप लोगों को पिक्सआर्ट डाउनलोड कर लेना है, तो मेरे पास तो है पिक्सआर्ट, और आप लोग भी डाउनलोड कर लेना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो एडिट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा फोल्डर है आपका। तो मैं मेरा फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा मेरा थंबनेल पैक। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको थंबनेल बनाना है, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज आपके पास होनी चाहिए, तो ये मेरे पास बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टूल्स पे जाना है। ठीक है, टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है क्रॉप पर। क्रॉप पर जाने के बाद आपको अपना रेशियो सेलेक्ट करना है, तो रेशियो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप 16:9 ही रखें। ठीक है, बता देता हूँ कौन सा हो रहा, ये 16:9 ही रखें। 16:9 रखने के बाद आपको उसको थोड़ा सा आपको जूम इन कर देना है। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट ना दिखे आपके थंबनेल का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा पार्ट आ चुका है पूरा। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऐड फोटो पे डालना है। ठीक है, ये एक्चुअली ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐड फोटो पे जाना है, तो ये ऐड फोटो पे हम आ गए। अब यहाँ से आप लोगों को आपकी जो है इमेज ले लेनी है, तो जो मेरी इमेज है थंबनेल पैक वाली वो मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली इमेज लूँगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये PNG इमेज है, तो आपको ये मिल जाएगी PNG इमेज। अब आपको इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, मैक्सिमाइज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये फ्रेम में एडजस्ट हो जाए अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है, अभी एडजस्ट होने के बाद आपको आपकी कलर स्कीम सेलेक्ट करनी है कि आपका थंबनेल स्कीम कौन से कलर का होगा, ब्लू, ब्लैक, जो भी, ब्लैक तो होता नहीं है। ठीक है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो क्या बोलना है, येलो ले लेता हूँ। ठीक है, आपको एडजस्ट पे जाना है। ठीक है, फटाफट मैं आपको वापस बताता हूँ कैसे करना है। ये आपकी इमेज है, ठीक है, आप सिलेक्टेड है पूरी, देख सकते हो आप यहाँ पे बड़ा करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो सिलेक्टेड है। अब आपको जाना है एडजस्ट पर। ठीक है, एडजस्ट पर जाना है। अब आपको यहाँ पर आपका ह्यू चेंज करना है, ह्यू दिख रहा ही होगा आपको। ह्यू पर जाने के बाद आपको जैसे येलो मुझे सिलेक्ट करना, तो मैं येलो स्टार्ट कर लेता हूँ। ये येलो मेरे लिए परफेक्ट है। आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट मतलब टिक है, मतलब डन हमारा हो गया। ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ऐड फोटो वापस ऐड करना है आपकी फ़ोटो को। ठीक है, तो मैं वापस दिखाता हूँ कौन सी फ़ोटो मैं ऐड कर रहा हूँ। अब गाइस आपको ऐड करना है आपका जो टेक्स्ट है। ठीक है, जो आपने रेडी किया है पिक्सल ऐप पर, तो ये पिक्सल ऐप पे ये टेक्स्ट कैसे बनाना है, इसके लिए पार्ट टू आएगा। तो ये अभी सिर्फ मैं मैनेज करके बता रहा हूँ आपको किस तरह से आपको आपका थंबनेल रेडी करना है। ठीक है, टेक्स्ट कैसे लगाना है, टेक्स्ट 3D टेक्स्ट कैसे बनाना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूँगा। ठीक है, ये देख लो, बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने हमारा ये भी लगा दिया वीडियो का जो नेम है आपका जो भी। अब वापस हम ऐड फोटो पे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो हमारा कैरेक्टर जो आपको दिखता है, कैरेक्टर के लिए हमें ये लगाना है। अब इसे क्या बोलते हैं, वो प्रॉपर नेम मुझे पता नहीं है, पर इस तरह से मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो आपको वापस पे आपको जाना है एडजस्ट पर। ठीक है, वापस इसका ह्यू चेंज कर देना है, येल्लो कर देना है। तो यहाँ कहीं येल्लो है, ओके, तो ये येल्लो, वाइट येल्लो तो नहीं है, मैंने वाइट कर दिया। अब वापस आपको ऐड फोटो पे जाना है। ठीक है, ये मैंने बहुत सारे आपको थंबनेल पैक में बहुत सारी इमेजेस दी है, अब आपकी मर्ज़ी आपको कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे ब्लेंड कर देता हूँ। अब ब्लेंड करने के लिए आपको ब्लेंड पर जाना है, मैं कर देता हूँ उसको स्क्रीन पर कर देता हूँ। अब एडजस्ट इसका भी ह्यू चेंज करना है हमें, तो ये कुछ इस तरह से अच्छा लग रहा है, मैं इसे भी बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल थंबनेल हमारा यहाँ पे लुक आ गया, थंबनेल की बिल्कुल ये पूरा थंबनेल हमारा रेडी हो चुका है इतना अच्छा वाला।
तो इसका पार्ट टू आएगा, तो इसमें आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छे से बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपने अगर इंस्टाग्राम पर मेरे को अभी तक भी फॉलो नहीं किया है तो कर लो, आईडी स्क्रीन पर आ रही है, एंड मेरी वेबसाइट ज़रूर चेक करना, वहाँ पे आपको ये पूरा थंबनेल पैक मिल जाएगा। ठीक है, तो यही करते हैं हमारा आज का वीडियो एंड, ठीक है, इसका पार्ट टू आएगा तो पार्ट टू ज़रूर देखना। वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 लाइक्स, तो ये कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।